नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी को एक नए नोटिफिकेशन के संबंध में सूचना देने के लिए हाजिर हूँ। लोक सेवा आयोग के द्वारा एक आपका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया, एक विज्ञापन जारी किया गया, जो कि विशेष तौर पर आपका संदर्भित करता है स्टाफ नर्स की वैकेंसी को, जो मेल और फीमेल के लिए आपकी जारी की गई है। इस वैकेंसी की अगर बात की जाए तो पदों की संख्या अच्छी खासी है आपकी, और साथ ही साथ इसमें जो आवेदन आपका शुरू हो रहा है वह आवेदन विशेष तौर पर आपका 21-8 से प्रारंभ हो करके 21-9 तक रहेगा, एक महीने तक है। इसमें अगर इस वैकेंसी में बात की जाए कि क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी गई है, तो सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रखिएगा कि इस वैकेंसी में वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिनका OTR है। OTR अभी भी आप फिल कर सकते हैं, तो लोक सेवा आयोग की आगे कोई भी वैकेंसी होगी तो उसमें OTR आपका जरूर लगेगा। तो इसीलिए जिन लोगों ने OTR अभी तक रजिस्टर नहीं किया है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर, आप लोग कर लीजिए। RO/RO की वैकेंसी है, APS की वैकेंसी है, VO की वैकेंसी है, ये सब आगे जितनी भी वैकेंसी आएंगी तो OTR आपका होना कंपलसरी है। रही बात इसकी, तो इस अगर वैकेंसी में बात किया जाए तो इसमें जो आवेदन शुल्क है, आवेदन शुल्क के विषय में अगर बात करें तो आपकी मात्र ₹100 और आपकी 25 जो है ऑनलाइन प्रक्रिया जितनी भी, तो ₹100 शुल्क है, और जितने भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, तो 100 और 25 ₹125 लगेंगे। बाकी SC/ST वही 40 और 25 यानी ₹65 इन लोगों का, ठीक है, ₹65 लगते हैं। इसमें बात करते हैं कि इसमें मूल तौर पर आपकी क्या चीजें आती हैं, मतलब क्वालिफिकेशन क्या है, मांगा क्या क्या गया है। तो इसमें ध्यान दीजिए कि सारी चीजें और आपको मालूम होगा। शैक्षिक अर्हता की हम बात करते हैं कि पुरुष के लिए क्या अर्हता चाहिए और महिला के लिए क्या अर्हता की आवश्यकता है। तो देखिए, जब हम बात करते हैं स्टाफ नर्स पुरुष के बारे में, तो इसमें बोला है कि एक तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। तो आपका 10th और 12th जो होना चाहिए, ठीक है, ये साइंस स्ट्रीम में आपका होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है कि संयुक्त प्रांत नर्स तथा धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य सामान्य नर्सिंग और धात्री कर्म में डिप्लोमा या नर्सिंग में विज्ञान स्नातक, ठीक है, और या संयुक्त प्रांत नर्स और धात्री परिषद में रजिस्ट्रीकरण योग्य साइकियाट्री डिप्लोमा धारण करना आवश्यक है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता भी इसमें पड़ेगी। मतलब तीन चीजें आपसे GNA मोहल्ला जो एक तरीके से होता है जिनका कोर्स है, वो लोग इसमें एलिजिबल आपके होंगे। तो 10th और 12th आपका साइंस के साथ है, प्लस आपके पास या तो डिप्लोमा है और या फिर आपका ग्रेजुएशन है, तो आप इस पद को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज महिला के लिए अगर बात की जाए तो महिलाओं के लिए भी आपका वही है, माध्यमिक शिक्षा परिषद में विज्ञान के साथ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा पास हो, और फिर से जो जो चीजें इसमें मांगी गई हैं, ठीक है, नर्सिंग में अगर BSc की उपाधि है आपको, या जो है सामान्य उपचारिका एवं प्रसूति प्रशिक्षण में डिप्लोमा है आपके पास, और या फिर आपका क्या हो उत्तर प्रदेश नर्स तथा धात्री परिषद से नर्स और धात्री के रूप में रजिस्ट्रीकरण का जो है आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीन चीजें इसमें कंपलसरी होती हैं, तो जिनके पास है, जिन लोगों ने GNM नर्सिंग वाला कोर्स कर रखा है, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकती हैं। इसमें अगर मैं बात करूं कि पदों की संख्या है कितनी, तो मेनली पदों की संख्या अगर महिलाओं के लिए बात किया जाए तो महिलाओं के लिए पदों की संख्या अगर मैं बात करूं पोस्ट के बारे में, ठीक है, तो इसमें आपकी जो पोस्ट होती है, जैसे फीमेल के लिए अगर मैं बात करूं तो फीमेल के लिए जो है अच्छी खासी पोस्ट है, 2069 पोस्ट फीमेल के लिए है। मेल के लिए अगर बात की जाए तो मेल के लिए पोस्ट कम है, 171 पोस्ट मेल के लिए है, लेकिन फीमेल के लिए नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा है, 2069 सीट आपकी फीमेल के लिए। क्वालिफिकेशन आपने देख लिया कि भाई GNA मोहल्ला आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक प्रमाण पत्र और होना चाहिए, 10th और 12th आपकी किसमें होनी चाहिए, साइंस स्ट्रीम में होनी चाहिए। आयु अगर बात की जाए तो सारे लोग जानते हो कि न्यूनतम 21 साल से लेकर के इसमें अधिकतम जो आयु चलती है वो आपकी 40 साल चलती है जनरल के लिए, बाकी सभी के लिए आपकी छूट रहती है अधिकतम आयु में। अब इसमें बात आती है कि जो है क्वालिफिकेशन हो गई, नंबर आप आपके जो है पोस्ट मैंने बता दिया, इसका सिलेबस क्या होता है, और सिलेबस के साथ साथ आपकी जो है जो पेपर पैटर्न होता है वो पैटर्न क्या होता है। देखो, इसमें सिलेबस में अगर बात किया जाए तो सबसे पहली चीजें क्या होती हैं कि चयन जो होता है 100 अंक का होता है, और जो योग्यता परीक्षा होती है वो योग्यता परीक्षा आपकी, इसमें एक स्टेज आपका प्रीलिम्स का होगा, एक स्टेज आपका मेंस का होगा।
प्री की परीक्षा में जो आपका सिलेबस होगा, मेंस में भी आपका वही सिलेबस होता है। लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर इस परीक्षा में यह है कि प्रीलिम्स की परीक्षा आपकी जो होगी वो एमसीक्यू बेस्ड होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी जो है क्वेश्चन आंसर आपको टिक करना होगा, क्वेश्चन दिए होंगे, उनके विकल्प दिए होंगे। लेकिन मेंस की अगर बात की जाए तो मेंस में थोड़ा सा मामला आपके लिए गंभीर बनता है। यानी इसमें अगर मान लीजिए आपके पास योग्यता भी है और आपने ढंग से बहुत बेहतरीन तैयारी नहीं की, तो फिर आपके लिए यह बहुत बड़ी चैलेंज बन जाएगी। लोक सेवा आयोग आखिर इस जो है परीक्षा को करा रहा, तो इसमें ध्यान दीजिए कि क्या क्या चीजें आपकी जो है परीक्षा पैटर्न की अगर मैं बात करूं कि परीक्षा पैटर्न और सिलेबस है क्या, तो परीक्षा पैटर्न और सिलेबस में इसने जो प्रीलिम्स के लिए आपका जारी किया और मेंस के लिए जारी किया है, ये आपके सामने जो है प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के सारी बातें दिख रही हैं। जो इसकी प्रीलिम्स आपकी परीक्षा होगी, प्रीलिम्स में सामान्य ज्ञान 30 अंक का आएगा, ठीक है, जीएस जिसको आप कहते हैं, सामान्य हिंदी जो है 20 अंक की आएगी, 50 नंबर के जीएस और हिंदी पूछे जाएंगे एमसीक्यू बेस्ड, और जो मुख्य विषय आपकी नर्सिंग है, नर्सिंग से 120 सवाल होंगे, यानी कुल प्रश्न आपसे 170 पूछे जाएंगे, 170 टोटल प्रश्न होंगे और जिनके अंक जो होंगे वो 50 ही होंगे। 170 प्रश्न आप करने के लिए आपको 120 मिनट दिया जाएगा और इसमें इनके लिए 170 प्रश्न के लिए जो मार्क्स हैं वो आपके 85 हैं, 85 नंबर आपको जो है के लिए ये परीक्षा देनी है। इसमें प्रीलिम्स का जो पाठ्यक्रम है आपका जीएस के अंतर्गत अगर मैं बात करूं सामान्य ज्ञान में, तो भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारत एवं विश्व का भूगोल है, भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल पढ़ना है, भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति एवं आधिकारिक मुद्दे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक विकास है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आपकी समसामयिक घटनाएं हैं। साथ ही साथ इसमें जब हम बात करते हैं यानी करेंट अफेयर, भारतीय कृषि से सवाल होंगे और साथ ही साथ आपका क्या होगा सामान्य विज्ञान से भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, गणित भी इसमें पूछी जाएगी हाई स्कूल स्तर की, जिसमें आपकी अंक गणित, बीज गणित और आपकी रेखा गणित होगी, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश भी आपका क्या होगा, उत्तर प्रदेश के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे, मतलब जो 30 प्रश्न आपके आने हैं 30 में आपकी जीएस पूरी होगी, करंट अफेयर भी होगी, साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है और यूपी से भी आपके सवाल होंगे। हिंदी में अगर बात करें कि हिंदी में जैसे 20 आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे, हिंदी में 20 प्रश्न के लिए इसने सिलेबस जो दिया है वह सिलेबस आपके 6 पॉइंट को दर्शाता है, विलोम से होगा, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से सवाल पूछे जाएंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा, तत्सम एवं तद्भव होगा, विशेषण एवं विशेष्य होगा और पर्यायवाची शब्द होंगे, मतलब 6 पॉइंट से आपके क्या बनेंगे, 6 पॉइंट से आपके जो है 20 सवाल बनने हैं जो एमसीक्यू बेस्ड होंगे, ये ध्यान रखना। तो 50 नंबर में जीएस और हिंदी है। अगर आपको 50 अंक के लिए, ठीक है, मान लीजिए बैच चाहिए कि हमारे 50 अंक तैयार करवा दिया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डालिएगा, ठीक है, तो वह आपसे टीम जो है संपर्क करेगी कि जो है बैच कितने लोगों को आवश्यकता है। सेकेंड पेपर की तो बात जो है बैच नहीं उपलब्ध करा पाएंगे, लेकिन जो आपका जीएस और हिंदी है इसका बैच हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो जिनको आवश्यकता है वो लोग कमेंट करिएगा। नर्सिंग के सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो नर्सिंग का सिलेबस, चूंकि प्रीलिम्स में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका सिलेबस आपका अच्छा खासा है। जैसे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है, नर्सिंग की बुनियादी बातें क्या क्या होती, प्राथमिक चिकित्सा में क्या क्या चीजें आती हैं इससे सवाल होगा, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है आपकी, मनोरमा नर्सिंग है, संचारी रोग भी आपसे पूछेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है, मिडवाइफरी एवं गायक्नोलॉजिकल नर्सिंग भी आपसे पूछेगा, साथ ही साथ इसमें बाल नर्सिंग भी है आपका, व्यवसायिक रुझान एवं समायोजन भी है, नर्सिंग पेशे के मानदंड जो आपका बनता है, माइक्रोबायोलॉजी है, साइकोलॉजी भी है, मनोविज्ञान भी है, ठीक है, सोशियोलॉजी भी है, समाजशास्त्र है, लेकिन नर्सिंग को देखते हुए व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरण स्वच्छता और कंप्यूटर भी पूछा जाएगा। 15 आपके अध्याय नर्सिंग के आपके हैं जिनसे 120 क्वेश्चन होंगे और आपके जीएस और हिंदी से आपके 50 प्रश्न होंगे, तो 170 आपके प्रश्न होंगे। इसमें 170 प्रश्न में आपको जो प्रश्न जो है इसमें जो मेंस आपका होना है, मेंस आपका क्या होगा, रिटर्न होगा, ठीक है, इसमें एक प्रश्न पत्र मेंस का होगा और इसका पूर्णांक 85 अंक का होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो मेंस आपका रहेगा, सिलेबस आपका जो प्रीलिम्स में आप नर्सिंग पढ़ रहे हो वही सिलेबस होगा, मेंस में अलग नहीं पढ़ना। लेकिन इसमें क्या करेगा, एक पेपर जो आपका बनेगा वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट वन पार्ट टू, और पार्ट वन में जो आपका होगा इसमें आपके जो है
पांच लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो पांचों के आपको जवाब लिखने पड़ेंगे। इसके लिए 125 आपके शब्द सीमा तय की गई है। और दूसरा जो पार्ट बी होगा, इसमें 6 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे जो आपके प्रत्येक प्रश्न आपका 15 अंक का होगा और इसको 300 शब्दों के भीतर आपको लिखना पड़ेगा। तो यह आपका सेकंड जो है जो मुख्य परीक्षा है उसका प्रश्न पत्र है। सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में आप नर्सिंग का पढ़ेंगे उसी से संबद्ध आपको सवाल मुख्य परीक्षा में लिखने हैं। तो तैयारी अगर आप एक बेहतरीन रणनीति के साथ अभी प्रारंभ करेंगे तो बहुत आसानी से इसमें आप विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अभी से लग जाइए, तो जिन भी बच्चों को यह लगता है, जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं कि संस्थान आपकी मदद कर सकती है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर जो है बैच के बारे में मेंशन करिए। हमारा पूरा प्रयास है कि आपको जो है जैसे जीएस का जो प्रथम प्रश्न पत्र आपका जीएस और हिंदी है ये आपको करवा देंगे। सेकेंड वाली जो चीजें हैं नर्सिंग वाला है इसके संबंध में भी अगर हमारे से संभव हो पाएगी तो उसके संबंध में भी मैं जो है आपको बैच उपलब्ध करवा दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में अन्य कोई क्वेरी होती है उसके बारे में आप जरूर डाल दें, आपको जो कुछ पूछना है कमेंट में डालिए। बैच की आवश्यकता है तो आप नीचे संस्थान के नंबर चल रहे हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जो है अपने नंबर डाल सकते हैं, वहां से टीम आपसे संपर्क करेगी। बाकी इसके बारे में अन्य कोई भी अपडेट होती है, कोई भी सूचना होती है तो उसके साथ आगे पुनः मिलूंगा। आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।